प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले। एक शख्स ने अपना एक अनुभव लिखा जो उसको एक अमीर मित्र के साथ जब वो था तब मिला। तो वो बताता है कि एक या दो साल पहले मेरे मित्र ने मुझे अपनी कॉर्वेट गाड़ी में ड्राइव पर जाने के लिए न्योता दिया। जो कॉर्वेट गाड़ी होती है ये एक अमेरिकन स्पोर्ट्स कार है, मतलब और भी दुनिया में मिलती है, इंडिया में शायद ही है, लेकिन ये स्पोर्ट्स कार है और बहुत तेजी से ये भागती है। और जब वो कहता है कि मैंने जब देखा उस गाड़ी को, वो बहुत सुंदर गाड़ी थी, सब कुछ बहुत टॉप क्लास था और ऐसा लगता था या ये वास्तव में है मैं जानता भी नहीं हूं कि चलने के टाइम तेजी से जब चलती तो थोड़ी सी जमीन से उठ जाती है, इतनी तेज चलती है। मैं सोचता हूं अच्छी सड़कों पर। तो उसने जब गाड़ी शुरू करी तो लिखने वाले ने कहा कि पहले गियर डालते ही एकदम मुझे पीछे धक्का लगा, इतना पावरफुल पिकअप था। बोला दूसरे गियर में ऐसा लगा कि जैसे मैं रॉकेट में बैठ गया हूं और जैसे रॉकेट में जो स्पेस मैन स्पेस वुमेन होते हैं उनके चेहरे एकदम दबे से महसूस करते हैं टेक ऑफ के टाइम। बोला मैं ऐसे महसूस करने लगा। बोला फिर हम तेजी से जा रहे थे सड़क पर और एक 18 पहियों का ट्रक था और हमने उसको पास किया। बोला जब पास किया तो ऐसे लगा कि वो खड़ा हुआ है, इतने तेज थे हम। कह रहा अद्भुत अनुभव था। और वो कह रहा था कि मुझे तो पता नहीं हम कितने मील प्रति घंटा चल रहे थे। जो कॉर्वेट गाड़ी होती है इसकी स्पीड 180 मील प्रति घंटा होती है, तो अगर किलोमीटर्स में देखें तो ये करीब 285-290 से थोड़ा कम किलोमीटर प्रति घंटा ये गाड़ी चल सकती है। तो अनुभव यही था उसका कि काफी मैक्सिमम स्पीड की तरफ उसके दोस्त ने गाड़ी चलाई। लेकिन जैसे वो जा रहा था इस हाईवे पे, फ्रीवे पे, उसने एकदम बगल में, मतलब रोड के किनारे पुलिस की गाड़ी देखी, सिर्फ पार्क्ड थी वहां पर, रखी मतलब लगी हुई थी। तो एकदम इसकी जो सुपर स्पीड से दौड़ने वाली गाड़ी एकदम इसने स्लो कर दी अपने आप। और जैसे स्लो करी थोड़ी देर में जो 18 पहियों का ट्रक था वो भी जो पीछे आ रहा था स्लो डाउन हो गया। सबकी गाड़ियां धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई, बस एक पुलिस की गाड़ी किनारे पर लगी हुई थी। और यही यहां पर एक सत्य में पता चलता है, कॉर्वेट गाड़ी के पास बहुत ताकत थी, मतलब उसके इंजन का हम जितनी भी तारीफ करें कम है। जो 18 पहियों का ट्रक था पूरे लोड का था, बड़ा डीजल इंजन था, वो भी ताकतवर हॉर्स पावर वाली गाड़ी थी। और ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। अब कई बार लगता है कि दुनिया को कंपनियां चला रही है, सरकारें नहीं चला रही है, जिनके पास बहुत ताकत है, बहुत आर्थिक फाइनेंशियल पावर है उनका, और लोगों के पास राजनीतिक पावर है, और ऐसा पावर है जो हमें दबा सकता है, हमें बहका सकता है, हमें प्रलोभन दे सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये हर ताकत एक ऐसी चीज को देखकर स्लो डाउन कर जाती है और वो है मृत्यु, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है उसके बारे में। एक ऐसी खाई है जो उनको मालूम है खाई है, लेकिन खाई में क्या है वो नहीं जानते हैं।
और आप हमारे देश में देख लीजिए, जब भी ट्रैफिक चलता होता है इतना तेज तो कहीं नहीं चलता हमारे यहाँ, लेकिन जो भी तेज चलता है, अगर कोई किसी की अंतिम यात्रा की प्रोसेशन चल रहा हो शमशान घाट की तरफ या कब्रिस्तान की तरफ, तो अपने आप सारा ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाता है, एक रिस्पेक्ट के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में भी, क्योंकि अगर आगे वाला स्लो डाउन करता है तो पीछे वाले को भी ऑटोमेटिक स्लो डाउन करना पड़ता है। तो क्योंकि मृत्यु या सड़क पर, हाईवे पर एक्सीडेंट देखकर सबको एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सारी संस्कृतियों ने मृत्यु के बाद के जीवन में रुचि दिखाई। जो इजिप्शियन फेरोज थे, फिरौन, उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड अपने लिए बनाए कि उसमें जो फेरो थे, जो राजा थे, मिस्री राजा, उनको उसमें प्रिजर्व करके अलग अलग मसाले डाल के, ताकि उनके शरीर खराब ना हो, उनको उसमें प्रिजर्व रखते थे कि शायद मृत्यु के बाद जीवन है, शायद, क्या वो मानते ही थे। चाइनीज भी अपने राजाओं के लिए बड़ी बड़ी कब्रें बनाते थे। वाइकिंग जो पुराने स्कैंडिनेविया के लोग होते थे, बड़े वॉरियर्स होते थे, जब इनके मतलब योद्धा होते थे, जब इनके योद्धा मर जाते थे तो ये इनको नाव में, बड़ी सी नाव में लिटाकर, सजाकर, फिर नाव को आग लगाकर पानी में छोड़ देते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध नाव और पानी के समुद्र जरिए किए, फ्रांस पे और इंग्लैंड पे इन्होंने बड़े हमले किए। तो ये अपने लोगों को योद्धा की तरह जलती हुई नाव में पानी में बहा देते थे। जो मिडिल एज के क्रुसेडर थे, धर्म योद्धा थे पश्चिमी देश के, वो सोचते थे अगर हम युद्ध में मर जाएंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा उसके बाद। जापानीज कामिकाजे थे या कामिकेज, ये आत्महत्या करते थे, ये किसी और से मरने के लिए तैयार नहीं थे, अपने आप को ही मार देते थे, ऐसे योद्धा थे। जो अमेरिका के आदिवासी थे शुरुआत में, ये अपने मृतकों को उनके औजारों के साथ और हथियारों के साथ दफना देते थे, कि मरने के बाद जब ये शिकार करेंगे तो ये हथियार काम आएंगे, धनुष बाण वगैरह वगैरह। लोग मृत्यु से डरते भी थे, रुचि भी रखते थे मृत्यु के बाद क्या है, लेकिन मृत्यु से डरते भी थे। किंग लुई 15 फ्रांस का, जो मैंने बताया था, अपने सेवकों को बता रखा था कि मृत्यु का शब्द मेरे सामने ना बोला जाए। चाइना का भी ये एक पनवती मानते थे कि अगर कोई मृत्यु का जिक्र करेगा तो मृत्यु को बुला रहा है। इंडिया में भी बोलते हैं, कोई मौत की खबर या मौत के बारे में बोलता है तो लोग कहते हैं अरे भाई शुभ शुभ बोलो, है ना। तो लोग मृत्यु की सच्चाई को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और जितना हो सके उसको दूर करना चाहते हैं। वुडी एलन एक बहुत जाना माना अमेरिकन एक्टर भी है, शायद एक्टर भी है, डायरेक्टर है, मतलब सेलिब्रिटी टाइप का आदमी है, बड़ा आदमी, और अब तो बुजुर्ग हो गया है, और 60 साल से वो अपने इस फिल्मी दुनिया में काम करता है। और वो कहता है कि ये नहीं कि मैं मरने से डरता हूं, लेकिन बस जब मौत आती है तो मुझे, जब मौत आएगी तो मुझे वहां पर होना नहीं है, मतलब बेवकूफी की बात कहता है। कहता है ये नहीं कि मैं मरने से डरता हूं, लेकिन जब मौत आएगी तो मुझे वहां पर नहीं रहना। लेकिन वो भी जानता है कि मेरा दिन दूर नहीं है। और वास्तव में जीवन में कोई भी चीज निश्चित नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने कहा
कि मृत्यु के बारे में जो स्टैटिस्टिक्स है ये सच में रुचि वाली है। इसका अर्थ क्या है? जैसे हम कहते हैं ना भाई कि अगर आप सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल दोनों में से एक ही आता है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% है, क्योंकि या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो वैसे ही कई प्रोबेबिलिटी के ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कल आंधी आएगी या नहीं आएगी ये भी प्रोबेबिलिटी होती है। कुछ चीज़ों को देखकर इसको प्रोबेबिलिटी दी जाती है, इतने प्रतिशत आ सकती है, कौन सी पार्टी जीतेगी इतने प्रतिशत इसकी जीत की गारंटी है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी थियोरी होती है। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मृत्यु की प्रोबेबिलिटी 100% है, 1 out of 1। और कितनी सच बात है ये, मृत्यु की प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक में से एक व्यक्ति मरता ही है ना। जैसे कहते हैं भाई कोविड हो गया है लोगों को, 10 में से 2 लोगों को हो रहा है, 10 में से 3 लोगों को हो रहा है, लेकिन मृत्यु की जहां बात आती है तो 10 में से 10 लोग मरते हैं। और बाइबल कहती है कि ये नियुक्त किया गया है कि मनुष्य एक बार मरेगा और उसके बाद उसका न्याय होगा, इब्रानियों 9:27 में। और यही गंभीर विचार है, गंभीर सच्चाई है कि मनुष्य के लिए नियुक्त कर दिया गया है, एक में से एक प्रोबेबिलिटी है कि उसको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। और हर एक को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु अवश्य है, न्याय का भी होना अवश्य है। और न्याय के दिन आप कहां खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे, जब पुस्तकें आपकी जीवन कथा की खोली जाएगी, या जैसे कहते हैं वह आपके जीवन का चिट्ठा खोला जाएगा। ये नहीं कि परमेश्वर आज जानता नहीं है, लेकिन आज मौका देता है मनुष्य को, आज उसको समय देता है कि वो पश्चाताप करके अपने जीवन को सही करके परमेश्वर के पास लौट कर आए। हर एक व्यक्ति को मन फिराने की, पापों से पश्चाताप करने की और पापों को त्यागने की अपॉर्चुनिटी, मौका देता है कि मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा जाए, क्योंकि नहीं पाएगा उद्धार तो नरक का दंड बहुत भयानक है। ऐसी सजा है जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना, हमेशा की आग परंतु कोई रोशनी नहीं, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं, ऐसी भयानक है पापों की सजा। लेकिन प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, अगर आप विश्वास करेंगे। वो एक बलिदान का मेमना बनकर इस जगत में आ गया और हमारे पापों को और पापों की सजा को उठाकर क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। क्योंकि परमेश्वर है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज युगानुयुग जीवित है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और अगर आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएंगे तो आपको मृत्यु से डरने की फिर जरूरत नहीं है ना। आप पूरे निश्चय के साथ ये जीवन बिता सकते हैं और जीवन के बाद भी अनंत जीवन में बड़े विश्वास से, निश्चय से और आनंद के साथ प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके मृत्यु का जो दंड था, पापों की सजा का जो दंड था, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। तो इसलिए आज प्रार्थना कीजिए ताकि वो महिमित शांति, वो महिमित आनंद, वो मुक्ति, मोक्ष, अनंत जीवन आपका निज भाग बने। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।